उन्नाव रेप केस, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 2 साल के बाद यह मामला वापस सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कल यानी 28 जुलाई को एक सड़क दुर्घटना में इस केस की जो पीड़िता थी और जो उनके वकील थे, काफ़ी गंभीर चोटें आई उन्हें। पीड़िता के जो रिश्तेदार थे गाड़ी में, साथ में 2 रिश्तेदारों की मृत्यु भी हो गई। कहा जा रहा है जिस ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी उसकी नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी। साथ ही वो ट्रक जो था वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी आ रहा था, नो वे मतलब नो एंट्री में जा रहा था। तो ये एक्सीडेंट और ये केस इतना चर्चा में इसलिए क्योंकि इस केस के जो प्राइम एक्यूज्ड हैं वो बीजेपी के MLA हैं उन्नाव से, कुलदीप सिंगर। कल एक्सीडेंट हो जाने के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के साथ साथ सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट्स भी किए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख ट्वीट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल दिल्ली तक है तो दिल्ली से जुड़े नेताओं के ट्वीट्स मैं आपको बताऊँगा। जिसमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट है, कुमार विश्वास का ट्वीट है, अलका लांबा का ट्वीट है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट द उन्नाव रेप विक्टिम एंड हर फैमिली अपीयर टू बी अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी एंड अ मॉकरी ऑफ रूल ऑफ लॉ। हाउ कैन एनी सिविलाइज सोसाइटी अलाउ सच स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बरिज्म। अरविंद केजरीवाल का जो ये ट्वीट था ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला था और उन्होंने साफ व्यक्त की अपनी भावना इस केस से जुड़ी हुई। इसके बाद अलका लांबा का भी ट्वीट है। अलका लांबा का ट्वीट क्या है पहले मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये घटना इशारा नहीं बल्कि चीख कर उस पिता भाई को बता रही है कि धन बल सत्ता में बैठा नेता अगर हमारी बेटियों का रेप भी करे तो खामोशी से सब सह लेना। आवाज़ उठाई तो सत्ता में बैठा हवस का भूखा भेड़िया जेल से भी पीड़िता सहित उसके परिवार को ख़त्म करने का दम रखता है। उसके पीछे PM CM खड़ा है। काफ़ी सख्त लहजे में और सख्त शब्दों के साथ अलका लांबा ने बीजेपी सरकार और इस पूरी घटना पर हमला किया है। इसके साथ ही कुमार विश्वास का भी ट्वीट आया है। कुमार विश्वास का क्या ट्वीट है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्नाव में हुई घटना हमारे समाज राजनीति में घुसपैठ कर रहे बेहद घटिया दौर की शुरुआती आहट है। अपने अपने नेताओं, दलों, विचारों, खेमों का चिंटूपना छोड़ इस देश की कानून व्यवस्था मर्यादा के बारे में सोचना, बोलना, आवाज़ उठाना शुरू करिए, नहीं तो देश पर गर्व करना तो दूर, यहाँ जीना भी दूभर होगा। तो ये थे इन तीनों के उन्नाव मामले के ऊपर ट्वीट जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इस तरह की और खबरों को देखने के लिए देखते रहें दिल्ली तक।